तनुश्री विवाद के बाद शूटिंग पर नहीं आ रहे हैं नाना पाटेकर। तनुश्री दत्ता ने सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पर 10 साल पहले फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। इसके बाद से खबर सुर्खियों में बनी हुई है। बॉलीवुड के कई लोग इसके बाद तनुश्री के सपोर्ट में आए हैं। हालांकि इस मामले पर काफी सारे लोग नाना को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फराह खान इस समय हाउसफुल 4 को कोरियोग्राफ कर रही है। इस फिल्म में नाना के साथ कई और एक्टर्स काम कर रहे हैं और इसकी शूटिंग इस वक्त जैसलमेर में चल रही है। कुछ दिन पहले फराह ने नाना के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तनुश्री ने फराह की आलोचना की थी कि वो नाना का व्यवहार जानने के बावजूद उनके साथ काम कर रही हैं। हाल में हाउसफुल 4 के सेट से एक और फोटो कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। हालांकि इस तस्वीर में नाना नहीं दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विवाद के ज्यादा बढ़ने के बाद से नाना फिल्म के सेट पर शूटिंग पर नहीं आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस घटना के बाद से दिमागी रूप से काफी परेशान हो गए हैं और वो शूटिंग करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान ने फैसला लिया है कि नाना पाटेकर वाले पार्ट को हम बाद में शूट करेंगे। हालांकि कुछ हालिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना रोजाना इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और जल्द ही शूटिंग खत्म हो जाएगी। सच क्या है ये तो खुद नाना जानते हैं।